मिथिलांचल विकास सभा की ओर से विद्यापति समारोह का आयोजन चंडीगढ़ में बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम में गायकों ने मैथिली गीतों से लोगों को कर दिया मंत्रमुग्ध। मिथिलांचल विकास सभा की ओर से विद्यापति समारोह का आयोजन चंडीगढ़ के सेक्टर 46 के कॉलेज में किया गया। आयोजकों ने बताया कि विद्यापति मिथिला के प्रसिद्ध कवि थे। इसी के उपलक्ष में विद्यापति समारोह का आयोजन 4 वर्षों से किया जा रहा है। ये प्रोग्राम के बारे में यही हमारा मेन उद्देश्य है कि अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज, अपनी जो संस्कार है उसको हम अपने बच्चे को, अपने परिवार को बाहर में रहकर अपनी भाषा भूल गए हैं, अपनी जो है पहचान भूल गए हैं, रीति रिवाज भूल गए हैं, उनको हम बच्चे को समझाना है, सिखाना है, यही मेरा मेन उद्देश्य है। वेशभूषा में हैं आप लोग? हाँ, वेशभूषा ये मेन किसका उद्देश्य? मेन यही वेशभूषा है हमारी जो है सीता जी के जन्म स्थान जो जनक है उन्हीं की वेशभूषा है, उन्हीं का हम लोग संतान है, सीता के संतान है, जो मिथिला नाम से प्रसिद्ध है। उसी मिथिला में विद्यापति कवि महान पुरुष हुए थे 15वीं शताब्दी में, उन्होंने मिथिला के लिए जो किया है वो अमूल्य है, उसी को याद में हम लोग अपने मिथिला को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, जिसे मिथिला में कोकिल कवि के नाम से जाना जाता है, उनकी पुण्य स्मृति समारोह हम लोग चौथी बार इस ट्राई सिटी चंडीगढ़ के अंदर मना रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम अपने पुराने जो इतिहास से इतिहास के पन्नों में अंकित रह गए हैं, जिनका आज इस भौतिक युग में कोई याद करने के लिए तैयार नहीं होता है, हम उस महान पुरुष को जिन्होंने 1380 में मधुबनी जिले बिहार के एक गांव बिस्पी में जन्म लिया था, उनकी स्मृति समारोह में हम लोग भाग ले रहे हैं। और यहाँ इस ट्राई सिटी चंडीगढ़ के जितने भी मिथिलावासी हैं, 1000, 2000, 3000 से भी ज़्यादा होंगे, आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और हमारी जो यह संस्था है मिथिलांचल विकास सभा ट्राई सिटी चंडीगढ़, वो पिछले 4 साल से यह कार्यक्रम को नियमित इस कार्यक्रम को लेकर आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, जो हमारा कला है, वो जीवित रहे, जिससे आने वाली पीढ़ी जो है इनको आगे लेकर के चलते रहे। कभी हमारी जो हमारे जो संस्कार हैं, जो माता सीता की जननी से रहने वाले हम लोग मिथिलांचल, राजा जनक जहाँ के राजा थे, जहाँ की पुत्री माता सीता थी, उस स्थान से हम लोग रहने वाले हैं, तो जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित-नित शीश झुकाता हूँ। जय मिथिला, जय मैथिल। वहीं गायक विकास झा ने अपनी सुरीली आवाज से मैथिली गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर जब अध्यक्ष विनोद झा से बात की तो उन्होंने बताया कि विद्यापति एक महान कवि थे, इसीलिए हम यह कार्यक्रम उनकी याद में करते हैं ताकि लोगों को उनसे शिक्षा मिल सके। पर हमारे सदस्य लगभग 400 के करीब, 400 के मेंबर हैं, 400 मेंबर हैं, उनके फैमिली आए हैं, 2000 से प्लस हैं। अभी फंक्शन में कितने आए हुए हैं आज के? लगभग 2000। कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? ट्राई सिटी के हैं क्यों? ट्राई सिटी से हैं, दूर दूर से, दिल्ली से भी आए हैं, डेरावासी से आए हैं, खरड़ से आए हैं। कितने वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है और कहां से अभी इसको ये चौथी हम लोगों का कार्यक्रम है चंडीगढ़ में, और इससे पहले हम लोगों ने जीरकपुर में भी 2 बार प्रोग्राम किया है, और साल में हम लोग 6 प्रोग्राम करते हैं जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप होता है, 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, होली मिलन करते हैं, तो ये सारे कार्यक्रम हम लोग करते हैं, छठ पर्व मनाते हैं जो आज बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना गया है, जो हम लोग इस बार सुखना लेख में मनाए हैं। जो आपकी ट्रस्ट है मिथिलांचल, ये ओनली मिथिलांचल वालों के लिए कार्य करती है या बाकी कुछ भी? नहीं नहीं, जो सामाजिक कार्य आप करते हो, सामाजिक कार्य वगैरह, सामाजिक कार्यक्रम के लिए जैसे बच्चों को प्रोत्साहित करना, जो अच्छे बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित कर, क्या ये मेरा ये समुदाय के लिए करते हैं या दूसरे लोगों के लिए भी करते हैं? नहीं, पूरे देश के लिए ये चीज हम लोग करते हैं। ऐसा कौन सा काम किया जो दूसरे लोगों के लिए या देश के लिए? जैसे जैसे गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई में दिक्कत है, वो हमारे संस्था के पास आते हैं, हमें कहते हैं जो कि
भी हमारे जो बच्चे को कुछ किया जाए तो उनके लिए हम योगदान देते हैं, उनके बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं या किसी तरह का दिक्कत है उनको आगे ये सर ऑफिस विनोद कुमार झा। हाँ जी, आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में, आज विद्यापति समारोह है और मिथिलांचल विकास सभा का हम अध्यक्ष हैं, ठीक है, और सारे हमारे जो है मिथिलांचल विकास सभा के सारे मेंबर जो है एक्टिव मेंबर, ठीक है, और ये उपसभापति महोदय हैं, ठीक है, और आज का जो विद्यापति महाकवि विद्यापति समारोह है उसके ऊपर जो होने जा रहा है मनोरंजन कार्यक्रम, लोक गायक आए हुए हैं अपने बिहार मिथिलांचल से, वो कार्यक्रम करेंगे और सब लोगों का जो है मन को एक अलग ढंग का एक जो है संतुष्टि देंगे, ठीक है, और एक मिथिलांचल का व्यवहार जो है दिखाया जाएगा कि हमारा जो है पहनावा ओढ़ावा क्या है, बोल चाल कैसे है, उसके बारे में जो है लोग देखेंगे, ठीक है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये है। और विद्यापति समारोह का आयोजन किया जा रहा है, कौन थे विद्यापति उनके बारे में बताइए। मैं तो